बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम स्टैट का अर्थमेटिक मीन करते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, आज उसका जो फर्स्ट फार्मूला है अर्थमेटिक मीन, इसको सिंपल हम मीन भी बोलते हैं, एवरेज भी बोलते हैं। तो आज हम इसको कैलकुलेट करने के पहले तो अब हम इसके फार्मूले सीखेंगे, क्या टाइप्स हैं, फार्मूलाज इसके क्या हैं, और उसके बाद हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। जी अर्थमेटिक मीन फार्मूलाज, आपको पता है जो डाटा है वो टू टाइप्स का होता है, एक होता है अनग्रुप डाटा, एक होता है ग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा दो इसकी डिफरेंट काइंड्स हैं। तो अनग्रुप डाटा लाइक एक सिंगल लाइन में आप जिसको कह लें डाटा, ग्रुप डाटा लाइक एक क्लास है जैसे, इसको आप ग्रुप डाटा कह लें। आगे मैंने इसकी एग्जाम्पल दी होगी, वहाँ पर हम देखेंगे। तो इसमें थ्री मैथड है, डायरेक्ट मैथड, शॉर्टकट मैथड और इनडायरेक्ट मैथड। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डायरेक्ट मैथड में इसका क्या फॉर्मूला है, ठीक है। तो डायरेक्ट मैथड में जब हम आते हैं तो इसका फॉर्मूला है एक्स बार फॉर अनग्रुप डाटा, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। समीशन का मतलब होता है सम ऑफ किसका, जो इसके आगे लिखा हुआ है उसका सम, मीन समीशन ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। अगर यहाँ एफ होता इट्स मीन सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एफ। तो इस जो ये साइन है इसको हम समीशन बोलते हैं, इसका मतलब है सम ऑफ ऑल वैल्यूज। कौन सी वो ऑल वैल्यूज़, अगर एक्स है तो एक्स की ऑल वैल्यूज़ को सम आपस में कर ले, अगर एफ है तो एफ की आप ऑल वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर ले। एन क्या है, एन मीन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, ठीक है। डायरेक्ट मेथड अनग्रुप डाटा से इसका ये फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूले प्रिपेयर हो तो क्वेश्चन करना कोई मुश्किल बात नहीं है। और डायरेक्ट मेथड में ग्रुप डाटा का फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समीशन एफ। समीशन एफ और एक्स, इस एफ और एक्स देखें जब दरमियान में कोई साइन नहीं है इट्स मीन एफ वाला कॉलम एक्स वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। उस एफ एक्स वाले कॉलम को जब हम आपस में ऐड कर लेंगे तो इट्स मीन समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी और एक्स वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, ठीक है। ये मैंने यहाँ मेंशन भी किया है एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स, कि आप एफ को पहले एक्स वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम जो कॉलम हमारे पास एफ एक्स आएगा उसका टोटल कर लेंगे। और समीशन एफ का मतलब क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, एफ मीन फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर, कि टोटल आपने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है। शॉर्टकट मेथड में अनग्रुप डाटा का फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस मिशन डी डिवाइडेड बाय एन। और शॉर्टकट मेथड में इसका फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस मिशन एफ डी डिवाइडेड बाय समीशन एफ। ग्रुप डाटा में हमेशा समीशन एफ साथ लगता है, मीन फ्रीक्वेंसी अवेलेबल होती है, अनग्रुप डाटा में एफ नहीं साथ लगता। अच्छा जी, अब ये है कि ये डी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये डी के कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एक्स माइनस ए, जो हमें डाटा अवेलेबल होता है उसको हम एक्स बोलते हैं, उसमें से हमने ए, ए मीन प्रोविजनल मीन, आपने कोई सी एवरेज वैल्यू ले लेनी है जो आपको अवेलेबल डाटा है आपने सपोज करनी है, ठीक है। कोई भी जो भी अवेलेबल डाटा उसकी आप कोई मिड वैल्यू ले लें, कोई भी वैल्यू ले लें, फर्स्ट वाली ले लें, वो आपका प्रोविजनल मीन है। एक्स में से आप जब वो ए वाली वैल्यू माइनस करते जाएंगे, ए वाली वैल्यू हमारी कांस्टेंट होगी जो भी हम एक दफ़ा उसको फिक्स कर लेंगे। एक्स में से जब हम ए माइनस करते जाएंगे तो हमारे पास डी आएगा, डी वाली वैल्यू को सम करेंगे तो समीशन डी डिवाइडेड बाय एन। एन मीन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ के डाटा में कितनी वैल्यूज़ अवेलेबल हैं। ए मैंने आपको बताया क्या है, प्रोविजनल मीन है। इसी तरीके से ग्रुप डाटा के साथ आ जाएं, डी आपने उसी तरीके से निकालना है जब डी एक्स माइनस ए से, जब डी निकला है उसको एफ वाले कॉलम से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास समीशन एफ डी आ जाएगा डिवाइडेड बाय समीशन एफ। समीशन एफ मीन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यूज़ का आप कर लेंगे, ए मीन प्रोविजनल डाटा। जब हम इससे क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आपका क्या काम है, आपने फार्मूलाज प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा से, डायरेक्ट मेथड से, शॉर्टकट। अब वो आपसे पेपर से में पूछ सकता है कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन विद ग्रुप डाटा, ठीक है, विद डायरेक्ट मेथड, और नीचे ग्रुप डाटा दिया हो तो फिर ये फार्मूला लगेगा। अगर वो कहता है कि जी अर्थमेटिक मीन या एवरेज आप फाइंड आउट करें शॉर्टकट मेथड के साथ, तो फिर आपका ये फार्मूला लगेगा, वो आपको अवेलेबल होगी हिस्ट्री।
जी। नेक्स्ट है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड भी इसको कहते हैं, कोडिंग मेथड भी कहते हैं, ठीक है। दो नाम है इसको, आप स्टेप डेविएशन मेथड भी कहते हैं और कोडिंग मेथड भी बोलते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है इसमें, इसका फॉर्मूला ए प्लस समीशन यू डिवाइडेड बाय एन मल्टीप्लाई बाय एच। एच मीन इंटरवल है बिटवीन द वैल्यूज़, कि जो डाटा में अवेलेबल वैल्यूज़ हैं उनका आपस में कितना डिफरेंस है। लाइक वैल्यू है 2, 4, 6, 8, तो सब में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, तो इसको हम इंटरवल बोलते हैं। यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, यू हम करते हैं एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। एक्स माइनस ए सिंपल डी होता है, अगर उसको हम एच मीन इंटरवल पर डिवाइड करते जाएँ तो हमारे पास यू आ जाएगा, और ग्रुप डाटा से इसका ये फॉर्मूला है। फिर हमारे पास आता है वेटेड अर्थमेटिक मीन। वेटेड अर्थमेटिक मीन मीन एक्स बार रिप्रेजेंट द वेटेड अर्थमेटिक मीन। एक्स बार मीन के लिए वैसे यूज़ होता है, कहते हैं कि वेटेड अर्थमेटिक मीन, लाइक वेटेज बताता है किसी भी चीज़ की। एंड डब्ल्यू आर द वेट्स असाइन टू द वेरिएबल, लाइक आप सब्जेक्ट्स कह लें, इकोनॉमिक्स में कितने मार्क्स हैं, फिजिक्स में कितने मार्क्स हैं, बायो में कितने मार्क्स हैं, अकाउंटिंग में कितने मार्क्स हैं, सब्जेक्ट वाइज आपकी क्या वेटेज है। ये समीशन डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय समीशन डब्ल्यू एक्स, जो वैल्यू अवेलेबल होगी, वेट आपको अवेलेबल होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके आप उस कॉलम का जब ऐड करेंगे तो समीशन डब्ल्यू एक्स आ जाएगा डिवाइडेड बाय समीशन डब्ल्यू मीन वेटेज का आपने जस्ट जो है वो टोटल कर रहे हैं। अच्छा जी, अब मैंने शुरू में बात की थी ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा, जिनको नहीं समझ, ये जो सिंगल वैल्यूज़ में ऐसे डाटा आपको अवेलेबल है ना, अब देखें ये सिंगल वैल्यूज़ में डाटा अवेलेबल है, इसमें आपके पास कोई और कॉलम नहीं है, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई, जैसे इसके आगे ये फ्रीक्वेंसी दी गई है, ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं दिया गया, इसको हम कहते हैं अनग्रुप डाटा। क्या बोलते हैं इसको हम, अनग्रुप डाटा, और इसको हम एक्स भी बोलते हैं। मीन में एक्स कैलकुलेट करना है ना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वैल्यूज़ आएंगे, एन इज इक्वल टू 7, मीन के एन हमारी वैल्यूज़ कितनी है, 7, और एक्स क्या है, इन सब को ऐड करेंगे हमारे पास एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये एक्चुअली यहाँ पे समझाना आपको ये है कि ये आपका अनग्रुप डाटा है, और ये वाला जो डाटा है ये आपका कौन सा डाटा है, ये आपका ग्रुप डाटा है, ठीक है। ग्रुप डाटा मीन जैसे ग्रुप बने होंगे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, और आगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन 0 से 5 की वैल्यूज़ 3 दफ़ा रिपीट हुई हैं, 5 से 10 के दरमियान में जो वैल्यूज़ आती हैं वो 4 दफ़ा रिपीट हुई हैं, जो 10 से 15 के दरमियान में वैल्यूज़ हैं वो 2 दफ़ा रिपीट हुई हैं, जब भी आपने कोई डाटा कलेक्ट किया, कोई सैम्पल कलेक्ट किया वहाँ पे, जो इस शेप में डाटा होता है इसको हम ग्रुप डाटा कहते हैं, ठीक है। अब आपका ग्रुप और अनग्रुप डाटा का डिफरेंस भी क्लियर हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सभी फार्मूलाज़ को अप्लाई करते हुए कैलकुलेट करेंगे विद अनग्रुप डाटा एंड विद ग्रुप डाटा। अच्छा जी, फिर इसमें क्लास लिमिट भी आता है कि आपने कैसे बनानी है। जैसे मैंने आपको ये अभी आपने पिछले वाली स्लाइड में देखा कि ये इसको ना हम क्लास बाउंड्रीज़ बोलते हैं। क्लास बाउंड्रीज़ मीन जिससे ये वाली वैल्यू ख़त्म हो रही है अगला कॉलम उसी से शो हो रहा है, इट्स मीन कि ये बाउंड्रीज़ बनी हुई हैं। कुछ ऐसा डाटा होता है जिनकी बाउंड्रीज़ नहीं बनी हुई होती, जब जिनकी बाउंड्रीज़ नहीं बनी तो वो आप बाउंड्रीज़ उनकी बेटा आप बनाएंगे, वो आप कैसे बनाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ग्रुप डाटा है आपके पास अवेलेबल, ये वाला ग्रुप डाटा आपको अवेलेबल है 50 से 54, 55 से 59, 60 से 64। अब देखें जिससे ये एंड हो रहा है अगला उससे नहीं शुरू हो रहा है, इट्स मीन कि इसकी क्लास बाउंड्रीज़ नहीं बनी हुई, तो हम इसकी क्लास बाउंड्रीज़ बनाएंगे। तो हम इनकी क्लास बाउंड्रीज़ कैसे बनाते हैं, हम इनकी क्लास बाउंड्रीज़ ऐसे बनाते हैं कि हम 55 में से, ठीक है, इसको इसके लिए हमें क्लास बाउंड्रीज़ बनानी पड़ती हैं। हम क्लास बाउंड्रीज़ कैसे बनाते हैं, हम इस वैल्यू में से ये वाली वैल्यू माइनस करते हैं, हम क्या करते हैं लोअर क्लास लिमिट में से हम अपर क्लास लिमिट में से लोअर क्लास लिमिट को माइनस करते हैं। वी टेक, ये लिखा हुआ ना मैंने क्लास बाउंड्री कैसे बनाते हैं, वी टेक डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास लिमिट फ्रॉम द सेकेंड लोअर क्लास लिमिट। ये लोअर क्लास लिमिट और ये जो डिफरेंस है लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट का ऐसे लेते हैं, ये अपर क्लास लिमिट, ये लोअर क्लास लिमिट, दिस वन अपर क्लास लिमिट, दिस वन लोअर क्लास लिमिट, इन दोनों का हम आपस में डिफरेंस लेते हैं। लाइक ये लोअर क्लास लिमिट है, ये अपर क्लास है, ये लोअर है, ये अपर है। अगर हम इन दोनों में से देखें तो ये अपर है, ये लोअर है, हम इसमें से ये वाली वैल्यू को माइनस करते हैं, ठीक है। इसमें से ये वाली वैल्यू को क्या करते हैं हम, माइनस माइनस करके हमारे पास क्या आता है, 1 आता है।
55 में से 54 माइनस किए कितना आ गया 1। हमने कितनी वैल्यूज़ का ये डिफरेंस लिया, 1 और 2, 2 वैल्यूज़ का लिया ना। हम इस 1 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो ये 0.5 आ गया। ज़रूरी नहीं है 0.55, कुछ भी हो सकता है, हो सकता है आप यहाँ पे डिफरेंस लें आपका 0.5 आ रहा हो, आप डिफरेंस लें आपका 2 आ रहा हो। आपने डिवाइड उसको 2 पे करना है क्योंकि आप 2 वैल्यूज़ का डिफरेंस ले रहे हैं। जो भी डिप माइनस आपका डिवाइड करके आंसर आएगा, जैसे यहाँ पे 0.5 आया, तो वो फिर आपने क्या करना है, जो 0.5 है फर्स्ट वाली वैल्यू में से लेस करते जाना है, सेकंड वाली वैल्यू में ऐड करते जाना है। इस 50.5 है ना, 50 में आप 0.5 माइनस करें क्या आ जाएगा 49.5, इसमें आप ऐड करते हैं 54.5, फिर इसमें से लेस करते जाना, इसमें ऐड करते जाना, तो आपके पास क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। आपने मीन, मीडियन, मोड कुछ भी निकालना है, अगर आपको इस तरीके से डाटा अवेलेबल है तो आपने सबसे पहले उसकी क्या बनानी है, क्लास बाउंड्रीज बनानी है। क्लास बाउंड्रीज किसको कहते हैं, मीन जिससे ये वैल्यू हमारी एंड हो रही है, नेक्स्ट वैल्यू भी हमारी रो उसी वैल्यू से स्टार्ट हो रही हो, अगर उससे स्टार्ट नहीं हो रही इट्स मीन के आपको क्लास बाउंड्रीज प्रिपेयर करना पड़ेंगी। ठीक है, ये आज का आपका लेक्चर था, आप इसके फॉर्मूलाज को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इन फॉर्मूलाज को अप्लाई करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आपको पसंद आए तो काइंडली सब्सक्राइब करें इसको और शेयर करें विद अदर्स।